वेलकम टू माई चैनल द कुक हाउस। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। तो ये लिया है 1 केजी। तो मैंने यहाँ रख दिया है अपना कुकर गरम करने के। 2 चम्मच डाला है हम इसमें ऑयल। तो हम इसे उबालेंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डाल देंगे तरीके से। इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स इस तरीके से। इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1/2 गिलास पानी। तो हम लगाएंगे इसमें 2 सीटी, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो हमारा कुकर हो गया ठंडा। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है हमारा, और गल भी अच्छा सा गल गया, देखो कितना अच्छा अपने आप ही टूट रहा है। तो मैंने इसमें तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिए कुछ लहसुन और धनिया डालेंगे हम ऊपर से बाद में। तो ये लिए अदरक, 2 हरी मिर्च और प्याज। तो इन दोनों को हम कलर में डाल के कूट लेंगे इस तरीके से। तो मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। तो मैंने इसे कुकर से अलग कर लिया है, उसमें थोड़ा सा बचा है पानी, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हम कर लेंगे अपना कटहल को फ्राई। कराते हैं इसे, कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने पर। तो हमारा कटहल हो गया फ्राई, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में आप। तो मैंने वापस से वही कढ़ाई ली है जिसमें हमने अभी कटहल फ्राई किया था, तो उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। और यहाँ ले लिए हमने कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, बड़ी इलायची या छोटी इलायची, तो हम इनको भी ऐड कर देंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज। प्याज को मैंने काट कर लिया है, तो इसे कर लेंगे हल्का सा सॉफ्ट। ऐड कर देंगे हरी मिर्च, और हम ऐड कर देंगे इसमें अदरक और लहसुन जिसको हमने भी कूट के रखा था। तो फ्लेम को हमने भी मीडियम कर दिया है, तो इनको भी हम चला लेंगे इस तरीके से। तो हमारा प्याज लहसुन अदरक अच्छे से पक गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि 1 चम्मच हमने पहले भी डाला था। डालेंगे हम धनिया पाउडर, हमें 1.5 चम्मच देंगे हम, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे हम गरम मसाला। इसमें ऐड कर देंगे हम पानी जो हमारा कटहल से निकला हुआ था, इसको भी हम चला लेंगे। मटन मसाला 1 चम्मच, तो हम इसको भी चला लेंगे। अगर आपके पास मटन मसाला है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, इसके बना भी आपका मसाला अच्छा बनेगा। फिर उसे ऐड कर देंगे हम कसूरी मेथी, तो इसे हम ढककर पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमारा बस मसाला बनकर तैयार है, देखिए कितना बढ़िया बना है। उसने अपना ऑयल पूरा छोड़ दिया है, उसमें ऐड कर देंगे कटहल। कर लेंगे हम मिक्स इनको अच्छी तरीके से। तो हमने सब चीज़ों को कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। तो हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी, जो मैंने गर्म पानी लिया है, उसे पका लेंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो उसे ढककर पका लेंगे हम, उसके बाद कर देंगे फ्लेम बंद। तो हमारा यमी सा कटहल बनकर तैयार है। फिर देखना कितना बढ़िया बना है, एकदम डिलीशियस। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से। तो इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती,
तुम्हारे कटहल बनकर तैयार है। कल देखें कितना बढ़िया बना है, तो हम कर देंगे गार्निश धनिया पत्ती से और लीजिए अदरक के लच्छे उनको भी। तो बताएं फ्रेंड हमारी रेसिपी कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।